फिलहाल तो गाइजर लॉस सैंटोस के अंदर भाई बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए यार गाइस मुझे आखिरकार भाई काम पर आना ही पड़ा। इसलिए गाइजर मैं पूरे एक महीने से भाई काम ढूंढ रहा था, एंड गाइस पूरे एक हफ्ते पहले भाई मुझे फाइनली एक बढ़िया वाला काम मिल गया। मतलब भाई इतना बढ़िया भी काम नहीं है, बट यार है भाई काम चलाने लायक, इससे भाई हमारा गुजारा तो हो जाता है। वैसे गाइजर आपको पता है मैं यार इस मेस बैंक बिल्डिंग का भाई वॉचमैन हूँ। हाँ गाइजर आपने बिल्कुल सही सुना यार, भाई साहब मैं एक वॉचमैन का काम कर रहा हूँ। वैसे भी भाई साहब मुझे कोई और बढ़िया वाला काम मिल नहीं रहा था यार, इसलिए गाइजर मुझे जो काम मिला भाई वो मुझे करना ही पड़ेगा। वैसे भी गाइस यार इस पूरे के पूरे मेस बैंक बिल्डिंग को भाई मुझे अकेले को संभालना पड़ता है, भाई साहब काम तो बड़ा मुश्किल है। बट यार गाइस आपको पता है मुझे एक महीने के भाई पूरे के पूरे 15,000 रुपए मिलते हैं यार। भाई 15,000 रुपए में भाई 10,000 रुपए सिंचन के स्कूल की फी चली जाती है, और भाई 5,000 रुपए में भाई हमारा राशन आ जाता है, बाकी भाई मेरे पास 1 रुपया नहीं बचता यार। फिर भी यार गाइस मैं कैसे ना कैसे करके अपने दिन गुजार ही रहा हूँ। खैर भाई कोई बात नहीं यार, मुझे लगता है भाई कभी ना कभी तो मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, और भाई बाद में यार मैं यार बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा। खैर भाई कोई बात नहीं यार, पता नहीं वो दिन कब आएगा, बट चलो भाई फटाफट से अपनी ड्यूटी निभा लेता हूँ। वैसे भी भाई साहब आज यार मेस बैंक बिल्डिंग के भाई एम्प्लॉय नहीं आया यार अभी तक, पता नहीं भाई इन लोग को क्या हो गया। खैर भाई मुझे लगता है इन लोग को आज छुट्टी होगी। खैर भाई कोई बात नहीं यार, एक काम करता हूँ यार कहीं जाकर कॉफी पी लो क्या? पहले रुको भाई टाइम देखने दो, अबे यार ये क्या 11 बज गए। एक काम करता हूँ भाई 12 बजे चला जाऊंगा कॉफी पीने के लिए। चलो आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था कितने दिनों से। आज यार मैं मेस बैंक बिल्डिंग के अंदर जाकर चोरी करूंगा, क्योंकि आज मेस बैंक बिल्डिंग के एम्प्लॉयज को छुट्टी है। आज तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी यार फटाफट से चलता हूँ अंदर, मुझे तो लगता है इस बिल्डिंग का वॉचमैन भी नहीं होगा आज तो। वाह यार आज तो मजा आएगा, फटाफट से चलता हूँ अंदर और यार जाकर फटाफट से चोरी कर लेता हूँ। एक सेकंड, ये क्या, ये तो सामने वॉचमैन खड़ा है इस बिल्डिंग का। अब यार अंदर कैसे जाऊंगा मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अरे यार लो कोई बात नहीं, मेरे प्लान बी भी है। चलो एक काम करता फटाफट से जाकर इसको पहले पागल बनाता हूँ, बाद में इसको देखूंगा मैं। चलो चलो एक काम करता पहले इसको इग्नोर करके आगे चलता हूँ। ला 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 ला। अरे भाई अंदर कहाँ जा रहे हो, आज तो भाई मेस बैंक बिल्डिंग बंद है यार। अरे यार किससे बात कर रहे हो मुझसे? अरे हाँ भाई तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जरा यहाँ पर आओ तुम। अरे हाँ बोलो बोलो क्या हो गया? अरे भाई तू तो अंदर कहाँ जा रहा है, और भाई किससे परमिशन ली तूने अंदर जाने के लिए? अरे यार मैं तो यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। क्या कहा एम्प्लॉय? भाई साहब आज तो सभी को छुट्टी है, तू कहाँ का एम्प्लॉय भाई? अरे यार वो यार मुझे मैनेजर ने बुलाया। क्या मैनेजर ने? भाई साहब मैनेजर तो किसी से मिलते नहीं यहाँ के, तुझे क्यों मिलने बुलाया उन्होंने? अरे वो तो वो यार मैं क्या बोलूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। अरे यार भाई भाग क्यों रहा है तू, आजा मुझसे बात कर, कहीं तू भाई झूठ तो नहीं बोल रहा मुझसे? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अरे भाई मुझे नहीं पता तू कौन है, तू बता तो सही पहले कौन है तू? अरे वो मैं इंटरव्यू देने के लिए आया था यहाँ पे। अच्छा इंटरव्यू देने के लिए आया तू? अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार। अच्छा ऐसी बात है तो भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे वो मैं भूल गया था। अच्छा ठीक है भाई जा जा जा, चले जा हमारे मैनेजर के पास, वो ऊपर बैठे होंगे भाई थर्ड फ्लोर पे। अच्छा ठीक है चलो यार एक काम करता हूँ, फटाफट से चलता हूँ यार थर्ड फ्लोर के ऊपर, और यार सारे पैसे लेकर भाग जाऊंगा। चलो चलो चलता पड़ा चो पर। वाह यार आज तो स्कूल में मजा आ गया यार, हमारे टीचर ने तो हमें आज होमवर्क ही नहीं दिया, अब यार बढ़िया से घर पे जाके खेलूंगा। वाह यार आज तो मजा आ गया, चलो चलो पड़ा चो बस का इंतजार करता हूँ यार। एक सेकंड यार ये तो चिंटू और बेंटन है यार, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे? चलो यार एक काम करता हूँ इन दोनों के साथ घर पे चला जाऊंगा। अरे यार चिंटू तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? अरे तीन तू देखने ही ला, हम लोग यार हमारे तुपल काल को देख रहे, क्या कर तुम्हारी सुपर कार को? अरे हाँ बिल्कुल ये देखे ये लैम्बोर्गिनी मिली है, और यार वो पीते वाले BMW बेंटन की। अरे यार कैसी पागलों की बातें कर रहे हो यार तुम लोग, क्या मुझे पागल बना रहे हो? अरे नहीं यार तीन हम लोग तद बोल रहे हैं, हमारे पापा ने आधी हम लोग को एक लैम्बोर्गिनी और यार एक बलिया वाली BMW गिफ्ट की है। अरे हाँ सिंचन बिल्कुल सही कहा चिंटू ने, तू देख रहा हमारे पास कितनी बढ़िया बढ़िया कार्स है, तेरे पास तो एक बढ़िया वाली कार भी नहीं है। यार तुम लोग मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो यार, तुम्हें क्या करना है मेरे पास हो या ना हो? तुम्हें पता भी है मैं यार कितनी महंगी वाली बस में घर पे जाता हूँ। अरे यार तीन चल यार तुब्बे अपना मुंह बंद लग, अरे तेरे वीडियो को तो कोई लाइक भी नहीं करता, और यार तेरे चैनल को भी कोई तकलीफ नहीं करता यार। अरे यार उससे तुझे क्या कर रहा है यार, तुझे पता भी हमारी सारी की सारी ऑडियंस यार मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तू देखना बस वो यार इस वीडियो को कितना ज्यादा लाइक करेंगे, और यार कमेंट के अंदर सिंचन ओपी जरूर लिखेंगे यार। अरे दादा हम लोग को पता है था कुतने होने वाला, चल अभी एक काम कर जाकर बद का इंतजार कर, और यार यहाँ तले दा हमारा दिमाग बद तलाब कर तू। यार तुम लोग मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो यार, तुम लोग तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना, हम तीनों तो यार साथ में बैठते स्कूल के अंदर। अबे भाई तीन तो हमारा दोस्त वोत नहीं है, तले एक काम कर पता आते अपने घर पे निकल, और यार आइंदा अपनी तकल भी मत दिखा हमें। यार चिंटू तू मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है यार? अरे भाई सिंचन निकल रहा है यानी यहाँ से, नहीं तो साले लात मार के भगा देंगे तुझे। यार तुम लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हो यार। अरे यार सिंचन मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला, रुक जा अभी तुझे बताता हूँ। ये ले साले दिमाग मत खराब कर साले गरीब। यार तू मुझे मार क्यों रहा यार बेंटन? यार मैं तो तुम लोग का अच्छा दोस्त हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से चला जाता हूँ यार। अरे हाँ हाँ चल चल निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर साला, पता नहीं कहाँ से आ गया गरीब। वाह यार इस सारे की सारी तिजोरी को मैंने लूट लिया, और यार इस ऑफिस के अंदर कोई है भी नहीं। वाह यार मजा आ गया, अभी एक काम करता हूँ फटाफट से यहाँ से निकल जाता हूँ, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करता हूँ चलो यार लिफ्ट से चले जाता हूँ। चलो चलो चलो
भाई यहाँ से फटाफट से भागना पड़ेगा। और यार ये देखो ये वॉचमैन अभी तक यहाँ पर खड़ा है, रुको इसको डराता हूँ। ओए वॉचमैन क्या कर रहा है तू? अबे ओ अबे भाई अबे यार तू तो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आया था ना। अरे यार कोई इंटरव्यू नहीं, अभी एक काम कर फटाफट से अपने हाथ ऊपर कर। अबे अबे भाई 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 प्लीज यार गोली मत मार यार मुझे, यार प्लीज मुझे छोड़ दे यार भाई साहब, मुझे अपने घर पे भी जाना होता है। अबे यार भाई मुझे छोटे भाई को बहुत ज्यादा पढ़ाना यार, प्लीज भाई मुझे कुछ मत कर यार। अच्छा ठीक है यहीं पर खड़े रहे, अभी चलो यार फटाफट से यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यार पुलिस आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 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 जल्दी जल्दी भागना होगा, भागो भागो भागो। चलो एक काम करता किसी की गाड़ी लेकर भाग जाता हूँ। अबे भाई रुक जा चल यहाँ से। अरे यार चोरी हुई हमारे ऑफिस के अंदर चोरी हुई यार। यार ये फ्रैंकलिन का बच्चा क्या कर रहा है साला, कैसा वॉचमैन है हमारा। एक चोर आकर चोरी करके चला गया, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम के चला गया, उस चोर ने पूरी तिजोरी खाली कर दी। अरे ओए फ्रैंकलिन तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अरे यार सर मैं क्या करूँ यार, वो चोर आके चोरी करके चला गया यार, उसकी घुस लगी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे होते हुए? यार सर मैं क्या कहूँ यार, उसने मुझे कहा कि वो इंटरव्यू देने के लिए आपके पास, जब यार सर वो जा रहा था उसने मेरे ऊपर गन पॉइंट किया। यार क्या उसके पास गन थी यार? वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक था यार। पर यार तुमने उसको घुसने कैसे दिया यार? तुमने मुझसे परमिशन ली उसको अंदर छोड़ते हुए? अरे नहीं सर मुझे लगा आपने उसको बुलाया होगा इंटरव्यू के लिए। मैंने यार किसी को नहीं बुलाया था। अब यार मुझे कुछ भी नहीं पता यार, तुम्हें पता है उसने 10 करोड़ की चोरी की है? 10 करोड़ की? क्या कहा 10 करोड़ की? अरे वही तो बोल रहा मैं, पूरे 10 करोड़ की यार। अब तुम बताओ यार मैं लूट गया मैं क्या करूँ, अब तुम भी बताओ। यार सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, भाई साहब ये कैसे पॉसिबल यार, 10 करोड़ की चोरी करके चला गया वो। अरे यार फ्रैंकलिन वो सब मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम अभी मेरे 10 करोड़ का हिसाब ला के दो, नहीं तो यार मैं तुम्हारे नाम की पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अरे यार सर आप कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, मैं तो एक मामूली सा वॉचमैन हूँ और यार आप मुझसे 10 करोड़ मांग रहे हो, आपको लगता भी मेरे पास 10 करोड़ होंगे? अरे यार फ्रैंकलिन मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम जाकर बैंक से लोन ले लो, पर यार मुझे अपने 10 करोड़ चाहिए। अरे यार सर मेरी गलती थोड़ी है यार, भाई साहब आपने देखा उसने मेरे ऊपर यार कैसे गन पॉइंट की थी, अगर उसने मुझे मार दिया था तो क्या आप मेरे छोटे भाई को संभालते? अरे यार नहीं संभालता मैं, तो कैसी बातें कर रहा है साले, तू मेरे छोटे भाई को नहीं संभालेगा और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है भाई, मुझसे 10 करोड़ मांगेगा? अब यार भाई मैंने गुस्से में इसको मार दिया यार। अब यार ये तो बेहोश हो गया, भागो भाई यहाँ से। भाई साहब यार ये मैं कहाँ फंस गया यार, दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा तो। अब यार गाइस आप लोग देख रहे हो भाई मैं कहाँ फंस गया, भाई साहब उस चोर को तो मैं छोड़ने नहीं वाला यार, साले का मुंह फोड़ दूंगा मैं तो। अगर भाई ये मुझे मिल गया ना भाई, इसका मुंह फोड़ के भाई इसके पैसे लेकर मैं ही भाग जाऊंगा यार, इसकी वजह से भाई मैं फंस गया था यार अभी तो। साला ये मैनेजर आकर सीधा भाई मुझसे 10 करोड़ मांग रहा है यार, यार इसकी हिम्मत भी कैसी हुई भाई। गाइस आपने देखा उसने मेरे ऊपर भाई सीधा गन पॉइंट की थी, और भाई मैं इसको बता रहा तो भाई इसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा यार। छोड़ो भाई कोई बात यार, मुझे ऐसा काम ही नहीं कर रहा यार जिसमें भाई मैं मुसीबत में पड़ू यार। रुको भाई एक काम करता यार, पहले सिंचन को जाकर बताता हूँ, मुझे लगता है भाई वो अभी स्कूल से छुटा भी नहीं होगा। चलो भाई एक काम करता हूँ उसको स्कूल में लेने चलता हूँ सबसे पहले, बाद में जाकर देखूंगा भाई मुझे क्या करना चाहिए। चलो यार गाइस फिलहाल तो चलते सिंचन के स्कूल उसको लेने के लिए। तब तक गाइस तुम लोग एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि यार गाइस मैं इस लफड़े से बाहर पड़ सकूं यार। फिलहाल तो गाइस जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मैं अभी जा रहा हूं सिंचन के स्कूल उसको लेने के लिए, लेट्स गो। अभी तो गाइस मैं बस पहुंचने वाला हूं सिंचन के स्कूल में, और यार पता नहीं भाई सिंचन अपना घर पे चला गया होगा या फिर नहीं यार, पता नहीं भाई। चलो यार जाकर देख ही लेते हैं, वैसे भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर हो रहा है। अरे वो देखो भाई वो रहा सिंचन, पता नहीं क्या कर रहा है अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई पहले उसको यहाँ से ले चलता हूँ। हेलो भाई सिंचन क्या कर रहा है अपने दोस्तों के साथ? यार फ्रैंकी भाई ये देखो ना यार, बेंटन मुझे मार रहा है यार। क्या बेंटन तुझे मार रहा है? क्यों भाई क्या हो गया? अरे भाई फ्रैंकलिन भैया चलो निकलो यहाँ से, दिमाग मत खराब करो नहीं तो तुम्हें भी पीट देंगे हम लोग। क्या तू मुझे मारेगा? भाई साहब हद में रह ले भाई साहब, छोटा है तू मुझसे। अरे तुम हद में रहो, तुम्हें पता भी अभी चिंटू और मैं बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं। हमारे पापा को यार पूरे 100-100 करोड़ की लॉटरी लग गई है, 100-100 करोड़ की। अबे कैसी बातें कर रहा है भाई, 100-100 करोड़ की लॉटरी? ऐसे कहां से लग गई भाई लॉटरी, वो भी भाई 100 करोड़ की? अरे हम लोग को लग गए, हम लोग क्यों बताए। चलो अभी एक काम करो, अपने गरीब से छोटे भाई को उठाओ यहाँ से और यार निकलो यहाँ से। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन भैया निकलो यहाँ से, जाके वॉचमैन का काम करो, वॉचमैन का। यार फ्रैंकी भाई देखा ये दोनों कैसी बेइज्जती मार रहे यार। और यार फ्रैंकी भाई इन दोनों ने तो अभी हद ही कर दिया यार, ये तो आपकी भी बेइज्जती मार रहे यार। अबे हाँ भाई सिंचन तू बिल्कुल सही बोल रहा है यार, रुक जा भाई इसको बताता हूँ, साले मेरी बेइज्जती करेगा। अबे भाई चिंटू तू भी निकल साले। अरे फ्रैंकलिन भैया माला क्यों आपने मुझे? यार प्लीज मत मारो फ्रैंकलिन भैया, साले तू मुझे बोलेगा गरीब और यार वॉचमैन का काम करने बोलेगा, साले दिमाग खराब कर दिया यार मेरा। अरे हाँ यार फ्रैंकी भाई मारो यार इन दोनों को। अबे हाँ भाई सिंचन मार तो दिया। और यार ये देखो भाई ये दोनों भी बेहोश हो गए यार। अबे यार भाई मैं ये गुस्से में क्या कर रहा हूँ यार, यार मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है यार। यार फ्रैंकी भाई क्या हो गया यार? अबे यार सिंचन तू पहले आ जा भाई गाड़ी में बैठ, तुझे बताता हूँ मैं। यार बताओ बताओ यार क्या हो गया? अरे भाई सिंचन मेरा काम छूट गया यार। क्यों यार क्या हो गया? आप तो यार पूरे एक हफ्ते पहले काम पे लग गए थे ना। अरे हाँ भाई सिंचन तू बिल्कुल सही बोल रहा है यार, पर भाई सिंचन तुझे पता आज भाई मेरे वजह से एक बहुत बड़ी चोरी हो गई हमारे मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर यार। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हाँ भाई सिंचन तू बिल्कुल सही सुन रहा यार। और यार तुझे पता उस चोर ने भाई मेरे ऊपर से तो गन पॉइंट की थी, अगर भाई उसने मुझे आज मार दिया होता ना भाई साहब मैं आज तुझे स्कूल लेने नहीं आता यार। कैसी बातें कर रहे हो यार फ्रैंकी भाई, आप मुझे पागल तो नहीं बना रहे? अबे नहीं भाई सिंचन मैं तुझे कोई पागल नहीं बना रहा यार। और भाई सिंचन थोड़ी देर के बाद उसका मैनेजर आया और भाई वो आकर सीधा मुझसे 10 करोड़ मांग रहा था यार। भाई साहब मैं वहां से भाग कर चला आया उसको मारकर। यार फ्रैंकी भाई आपने उसको क्यों मारा यार, अगर पुलिस हमारे घर पे आ गई तो? अबे वही तो भाई सिंचन मुझे भी नहीं समझ आ रहा यार, अभी हम लोग को क्या करना चाहिए यार।
मार फेंगे भी, एक काम करते यार कहीं भाग चलते यार कुछ दिनों के लिए। अरे हाँ भाई सिंचा तो बिल्कुल सही बोल रहा यार, एक काम करते भाई तेरे गाँव चले तेरे मम्मी पापा के पास। अरे हाँ यार चलो चलो यार, बहुत दिनों के हम लोग वहाँ पर गए नहीं थी यार। अरे हाँ भाई सिंचा तो बिल्कुल सही बोल रहा है, एक काम करते भाई पहले अपने घर पे चलते हैं और भाई अपनी बैग वैग उठा के भाई फटाफट से अपने गाँव चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो चलो फटाफट से चलते हैं। और यार ये देख भाई हम लोग हमारे घर पे भी आ गए, चल भाई आजा सिंचा फटाफट से अपने कपड़े पैक कर ले। अरे हाँ यार चलो चलो मैं भी आता हूँ यार। चलो भाई सिंचा ने तो एक बढ़िया आइडिया दिया भाई साहब, ऐसा आइडिया तो मेरे पास आता ही नहीं। अबे भाई कल क्या हो गया यार? अबे कुछ नहीं भाई, चौप सिंचा तुझे बता देगा। अरे हाँ यार चौप जब मैं तुझे बताता हूँ। चलो गाइस एक काम करता हूँ फटाफट से अपने कपड़े बदलता हूँ, लेट्स गो गाइस। यार मैंने अपने और सिंचा के कपड़े इस बैग के अंदर फटाफट से पैक कर लिए, अभी तो चलते गाइस फटाफट से सिंचा के गाँव। अबे भाई कल चोरी कैसी हुई यार? अबे बता दिया ना सिंचा ने तुझे? अरे हाँ भाई बता तो सही पूरी कहानी, अबे बाद में बताऊंगा। तो भाई एक काम कर भाई, घर पे पुलिस आई तो भाई साहब उनको बोल देना यहाँ पे फ्रैंकलिन नहीं रहता। अच्छा ठीक है भाई कल। वैसे भाई ये सिंचा कहाँ रह गया अभी तक? अरे हाँ यार रुको, आ गया यार रुको यार मुझे बैठने तो। अरे हाँ भाई बैठ यार, सिंचा हमारे पास टाइम नहीं यार। अरे हाँ यार चलो चलो बैठ गया। तो चलो गाइस अभी एक काम करते यार, फटाफट से सिंचा के गाँव चलते और भाई वही पर रह लेंगे यार पूरे एक महीने के लिए। नहीं तो गाइस यार मुझे लगता है हमें पूरे एक साल तक भी रहना पड़ सकता है यार, पता नहीं भाई कितना टाइम रहना पड़ेगा। बट यार गाइस जितना टाइम रहना पड़ेगा उतना टाइम रह लेंगे यार। बट यार गाइस हमें जेल के अंदर जाने का कोई शौक नहीं यार। गाइस आप लोग चाहते हो कि भाई साहब मैं और सिंचा मिलकर भाई जल्द से जल्द यार बहुत ज्यादा अमीर बन जाए? तो गाइस आप लोग एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस फटाफट से कमेंट के अंदर सिंचा ओपी जरूर लिख देना। अभी तो चलते गाइस फटाफट से सिंचा के गाँव, लेट्स गो। अबे यार सिंचन मुझे एक बात बता भाई, अगर यार हम लोग सीधा तेरे मम्मी पापा के पास चले गए फिर यार सिंचन हम लोग उनको क्या बोलेंगे यार, हम लोग क्यों आए यहाँ पर? यार चलो यार वो लोग नहीं पूछेंगे यार, उन लोग को हम लोग बोल देंगे यार झूठ झूठ यार कि हम लोग बस यहाँ पर घूमने के लिए आए। अबे हाँ भाई सिंचन, बट यार हम लोग कितने दिन तक बोलेंगे यार? यार फैंकी भी आप फिक्र क्यों करते यार, मेरे यार मम्मी पापा कुछ भी नहीं बोलेंगे यार। अच्छा ठीक है यार, ये देख भाई हम लोग पहुंच गए यार तुम्हारे घर पे। और यार ये क्या भाई तेरे मम्मी पापा यहीं पर खड़े? कहीं भाई इनको पता तो नहीं चल गया हम लोग यार बहुत बड़ा कांड करके आए? नहीं यार उनको कुछ भी नहीं पता होगा यार। अच्छा ठीक है भाई आजा यार बात कर लेते हैं। हेलो यार अंकल आंटी आप कैसे हो यार? अरे यार फ्रैंकलिन सिंचन तुम कब आए यार बच्चो? अरे यार अंकल हम दोनों तो बस अभी आए आप दोनों से मिलने के लिए। अरे वाह यार फ्रैंकलिन तुमने तो बहुत ज्यादा अच्छा काम किया यार यहाँ पर आकर। चलो चलो एक काम करो यार, हाथ मुंह धो लो, सिंचन की मम्मी चाय बना लेगी तुम लोग के लिए। अरे नहीं नहीं अंकल चाय पानी रहने दो, एक काम करते अंकल आप यार कुछ काम करने जा रहे क्या? अरे हाँ बच्चे हम लोग बस अभी खेती करने जा रहे थे। अच्छा ठीक है अंकल आप लोग एक काम करो यार, आप जाकर खेती कर लो, मैं और सिंचन जाकर कहीं घूम आते यहाँ पर। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन, चल भाई एक काम करता यार पहले बैग अपने घर के अंदर रख देता हूँ। तो गाइस यार मैंने बैग सिंचन के घर के अंदर रख दिए। अब यार एक काम करते भाई एक बढ़िया वाला प्लान बनाते हैं। मैं तो सोच रहा भाई यही कहीं पे एक छोटा सा घर ले लेता हूँ, वहाँ पर भाई मैं अकेला रह लूंगा क्योंकि यार गाइस मैं और कितने दिन रह सकता हूँ यार सिंचन के घर पे यार, भाई साहब वो तो अच्छा भी नहीं लगता यार। अरे यार फैंकी भी आप फिक्र मत करो यार, आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है यार, वहाँ पर यार रेसिंग कॉम्पिटिशन होती है, चल यार जाकर देख लेते। अच्छा ऐसी बात है तो चल भाई जाकर देख लेते। मैं तो बोलता चल भाई सिंचन एक काम करते भाई रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लेते। अरे हाँ यार चलो अगर तुम्हें कर रहा है तो कर लो। अच्छा ठीक है भाई आ जाओ यार कर लेते। ये देखो यार मुझे लगता है यही पर है, यहाँ पर फॉर्म भरना होता है। आजा भाई सिंचन देख लेते इनसे बात करके। अरे हाँ यार कर लो कर लो। हेलो भाई मैंने सुना यहाँ पर रेसिंग कॉम्पिटिशन चल रही है। अरे हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो? अरे हाँ भाई बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो बता भाई मुझे क्या करना पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्म फिल करना है और यार 1 करोड़ रुपए देने। क्या बात कर रहा है भाई 1 करोड़? अबे तू क्या पागल हो गया क्या भाई साहब? मुझे तो लगता है भाई इस रेसिंग कॉम्पिटिशन की विनिंग प्राइस भी 1 करोड़ नहीं होगी। अरे कैसी बात है कर रहे हो, विनिंग प्राइस तो 50 करोड़ है। क्या बात कर रहा है भाई 50 करोड़? यार ये तो कुछ ज्यादा यार, भाई मुझे लगा तू तो पागल बना रहा है। पर यार फैंकी भी हम लोग 1 करोड़ रुपए कहाँ से देंगे यार? अरे हाँ भाई सिंचन वो भी बात है यार, भाई साहब कहाँ से लाएंगे भाई हम लोग 1 करोड़? यार गाइस मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। पर भाई अगर मैं इस रेसिंग कॉम्पिटिशन को जीत गया तो भाई सीधा 50 करोड़ मिलेंगे यार, और भाई मैं उस मेज बैंक बिल्डिंग के मालिक को 10 करोड़ दे दूंगा। पर भाई मेरे हाथ में 40 करोड़ हो गया यार, उससे भाई मैं कितनी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां खरीद सकता हूँ और यार भाई साथ ही साथ यार कितना बड़ा घर भी खरीद सकता हूँ यार। पर भाई 1 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा यार। अरे हाँ यार सोचो ना फेंगी भाई कहाँ से आएंगे हमारे पास पैसे? अबे बच्चा क्या हो गया तुझे पैसे चाहिए? अरे हाँ भाई कौन बोला? अरे मैं फ्रूट वाला बोल रहा हूँ, बोलो बोलो क्या हो गया, कोई दिक्कत है तुम्हें? अरे यार भाई तुम्हें क्या करना है भाई, मेरी प्रॉब्लम है मैं देख लूंगा। अरे मैं तुम्हारे प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा यार, तो बताओ तो सही क्या हो गया? अरे भाई यार मेरे वजह से भाई मेज बैंक बिल्डिंग के अंदर भाई बहुत बड़ी चोरी हो गई यार, तो यार भाई मुझे 10 करोड़ देने यार भाई उनको, अब मैं क्या करूं भाई तू ही बता यार। अरे बच्चा इतनी सी बात, रुको यार एक काम करता हूं मैं तुम्हें एक जादुई फ्रूट देता हूं, उसके बाद में यार तुम जो भी चीज मांगोगे वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी। क्या भाई कैसी बातें कर रहे, तू पागल तो नहीं बना रहा मुझे? अरे यार मैं किसी को पागल नहीं बनाता, रुको यार अभी देता हूं तुम्हें वो फ्रूट। ये लो बच्चे ये खा लो पाइनएप्पल। अबे ये तो भाई नॉर्मल सा पाइनएप्पल है। अरे बच्चे खा लो यार, मैंने इसके अंदर एक जादुई पानी छिड़का हुआ है, इसके बाद में यार तुम जो भी चीज मांगोगे वो चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। अबे कैसी बातें कर रहा है भाई, कहीं तू मुझे पागल तो नहीं बना रहा भाई, नशे वशे तो नहीं करके?
है तू? अरे यार एक बार खा तो लो, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, रुक जा अभी खा कर देखता हूँ। चलो यार गाइस देखता हूँ इसको खाकर। यम 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 यम। अबे यार एक सेकंड भाई, ये क्या हो रहा है भाई? ये पैसे कहाँ से उड़ रहे यार? यार फेंकी भाई ये तो आपके अंदर से उड़ रहे यार। क्या मेरे अंदर से? अबे यार लिटरली ये क्या हो रहा है भाई मेरे अंदर से? तो भाई ये कौन कौन से धुआं आ रहा है? और भाई साहब ये कितने सारे पैसे उड़ रहे यार फेंकी भाई। रुको यार इस पैसे को उठा लेता हूँ। अबे यार सिंह तो रुक जा यार। यार भाई साहब ये क्या हो रहा है भाई मेरे अंदर से? इतना सारा धुआं क्यों आ रहा है भाई? ये धुआं कब रुकेगा यार? या फिर ये धुआं नहीं रुकेगा? अबे बच्चा रुको यार थोड़ी देर के लिए, भाई साहब ये धुआं रुक जाएगा, उसके बाद में यार तुम्हारा नसीब बदल जाएगा यार। अबे भाई तू मुझे पागल तो नहीं बना रहा यार? भाई तू मुझे किसी गलत चीज में तो नहीं फंसा रहा? अरे यार रुको तो सही, सबर रखो बच्चे। अबे कैसा सबर रखू भाई? एक सेकंड भाई ये धुआं तो रुक गया। अरे देखा बच्चा धुआं तो रुक गया। अब चल बच्चे एक काम कर यार, तुझे जो भी चाहिए मांग ले। अच्छा ऐसी बात है कही भाई? अगर नहीं हुआ तो भाई तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। अरे यार मांग कर तो देखो। अच्छा ठीक है भाई, तो भाई चलो एक काम करो भाई, इस इंसान के जितने भी फ्रूट्स है भाई सारे भाई गोल्ड के अंदर चेंज कर दो। अबे यार रुको एक सेकंड भाई, यहाँ पर तो कितने सारे गोल्ड के ब्रिक्स आ गए यार। यार फेंकी भाई ये तो सच में आ गए यार। अरे हाँ भाई सिंचान मुझे अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा यार। रुको अपना सर पटक कर देखता हूँ, ये पटका। ओ भाई साहब लग गई। ओ भाई साहब ये कोई सपना नहीं है यार, ये तो सच है। अरे बच्चा देखा ये मेरे जादू का कमाल है। अब यार जाकर अपने पैसे दे दे उस बैंक वाले को। अच्छा ठीक है भाई यार, पर थैंक यू सो मच यार, इस गोल्ड को तू रख ले। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं रखूंगा। अच्छा भाई सिंचान एक काम करते यार, एक महंगी वाली गाड़ी मंगवाते पहले। तो भाई एक काम कर यार, फटाफट से यहाँ पर यार एक महंगी वाली गोल्ड की रॉयल्स रॉयल्स आ जाए। ओ भाई साहब यहाँ पर तो सच्ची में आ गई कार। और यार लिटरली गाइस आप लोग देख रहे हो भाई साहब ये रॉयल्स रॉयल्स क्या बढ़िया दिख रही है यार। आजा भाई सिंचान बैठ फटाफट। अरे भाई यार फेंकी भाई अंदर से तो कितनी ज्यादा ओपी है यार। अरे हाँ भाई यार गाइस आप लोग देख रहे हो यार कितनी ज्यादा ओपी कार है यार ये तो। यार गाइस मजा आ गया यार। गाइस चलो अभी एक काम करते यार, सबसे पहले चलते हैं उस मेस बैंक बिल्डिंग वाले के पास और यार उसके पैसे उसको दे देंगे यार। चलो भाई मैं उसके पैसे देकर आप सभी को मिलता हूँ। उसके बाद में यार गाइस आप लोग देख रहे हो मैं अपने घर के अंदर भाई कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें मंगवाता हूँ यार। उसको देखकर गाइस आपको तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद में यार गाइस मैं सिंचान के मम्मी पापा को भी यार भाई साहब बहुत ज्यादा रिच इंसान बना दूंगा लॉस सेंटर्स का। बट यार उससे पहले गाइस आप लोग एक काम करो यार, फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस चलते फटाफट से अपने घर पे, लेट्स गो। गाइस यार आपको पता है उस बैंक का मैनेजर यार पूरे के पूरे 100 करोड़ देखकर पागल हो गया था। अरे हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना। गाइस यार मैंने उसको 10 करोड़ के जगह पे भाई साहब पूरे के पूरे 100 करोड़ दे दिए यार। भाई साहब वो तो पागल हो गया था पागल। यार भाई कोई बात नहीं यार, अभी एक काम करते भाई, अभी यार अपन खुद के लिए भाई साहब बहुत सारा गोल्ड डायमंड और यार बहुत सारे पैसे मंगवाते यार। अबे भाई कलवे तू आ गया इतने जल्दी? अरे हाँ भाई चौप में आ गया। और तू देख भाई चौप अब मैं क्या करता हूँ, क्या करेगा भाई? अरे तू देख ना यार। तो चलो यार अभी एक काम करो फटाफट से भाई, मेरे घर के अंदर भाई सारी की सारी चीजों को भाई आधा गोल्ड में आधा पैसों के अंदर और यार आधा डायमंड के अंदर चेंज कर दो। और यार मेरे छत के ऊपर एक महंगा सा गोल्ड का हेलीकॉप्टर आ जाए। और यार मेरे पास यार छत के ऊपर महंगी महंगी गाड़ियों का कलेक्शन भी आ जाए। तो गाइस यार ये देखो भाई साहब मेरे पास कितना सारा गोल्ड आ गया यार। भाई साहब मेरा घर तो भाई पूरा गोल्ड डायमंड। और यार ये पैसे कहाँ पर? ये देखो भाई साहब मेरा बेडरूम भाई पूरे के पूरे पैसे से भर गया यार। वाह भाई मजा आ गया। पर भाई ये सिंचान कहाँ गया यार? यार फेंकी भाई मैं तो छत के ऊपर हूँ यार। अच्छा छत के ऊपर, रुक जा भाई मैं भी आता हूँ। और यार ये क्या भाई, मेरे घर के बाहर तो भाई गाड़ियों की लाइन लग गई। ओ भाई साहब ये तो कितनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी भाई साहब। और यार भाई साहब कौन कौन सी गाड़ी है? अबे यार ये तो मुझसे देखे नहीं जा रहे यार। पर भाई ये गोल्ड का हेलीकॉप्टर यार ये तो छत के ऊपर आना पड़ा से। अरे हाँ रुक जा भाई, आ रहा हूँ। पता नहीं भाई ये सिंचान को कितनी जल्दी है। ये देखो गाइस ये तो गोल्ड का हेलीकॉप्टर यार। वाह भाई मजा आ गया। आजा भाई सिंचान इसके अंदर घूमने चलते हैं। अरे हाँ यार चलो चलो बैठ जाओ इसके अंदर। अरे हाँ भाई सिंचान बैठ रहा हूँ। पता नहीं यार गाइस सिंचान को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। यार भाई कोई बात नहीं यार, खुशी तो मुझे भी हो रही है यार। और गाइस आपको भी खुशी हो रही है। तो गाइस आप लोग एक काम कर सकते हो, फटाफट से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस आप लोग ऊपर से देख रहे हो भाई मेरे घर के अंदर भाई कितना सारा गोल्ड है यार। गाइस अभी मैं एक काम करूंगा भाई, धीरे धीरे करके भाई लॉस सेंटर्स के अंदर भाई जितने भी महंगे महंगे घर है भाई सारे के सारे खरीदने के लिए ट्राई करूंगा। अगर गाइस आपको देखना है कि भाई साहब मैं कौन कौन सा घर खरीदता हूँ तो गाइस आपको देखनी पड़ेगी हमारे अगले वीडियो। तो चलो यार गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं और सिंचान मिलते हैं और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।